अभी हम लस्सी ट्राई करते हैं बैठ के। बहुत अच्छी है लस्सी, ये पूरी पीते हैं उसके बाद। अभी हम आए हुए हैं लाहौर के आर्मी म्यूजियम में, और यहाँ पे क्या है वो तो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा, मतलब अंदर जाके बताऊंगा। मैंने पीछे से देख लिया क्या है, आपको इस फ्लॉग में आर्मी के टैंक दिखाऊंगा, जहाज हैं तो वो आपको मैं अभी चल के दिखाता हूँ। तो ये वाला व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो इस व्लॉग को लाइक कर दें। और देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पेड़ पौधे हैं और सजावट बहुत अच्छी है। अभी हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, ये वाला व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो चलें हम दिखाते हैं। बड़े इसके टायर आप देखें, इसकी चेन देखें आप, और ये बहुत बड़ा है, और ये दूर से दिखाता हूँ मैं कितना बड़ा है, और इसकी हिस्ट्री भी ये रही। तो बहुत बड़ा है ये टैंक, और सामने आके तो बहुत बड़ा लग रहा है, वीडियो में भी पूरा नहीं आ रहा। अब अगला चलते हैं अगले उस डेस्टिनेशन पे। ये देखें, ये आर्मी वालों का है हेलीकॉप्टर। ये मैं कितने सामने से इतना बड़ा हेलीक�प्टर देख रहा हूँ, इसके आप पर देखें कितने बड़े हैं। इतना बड़ा जहाज मैं पहली बार अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, और इसका आप बस टायर देखें, इतना बड़ा टायर है, खुद देखें आप कितना आगे तक जा रहा है। और ये बहुत बड़ा है हेलीकॉप्टर, इसकी हिस्ट्री एडी इतना। ये भी देखें कैसा लग रहा है, किस कैसा बनाया गया था इसको, आगे से देखें इसके पहिए देखें, और ये देख सकते हैं आप, और इस पर रंग वंग भी हुए हुए हैं, और दोनों साइडों से आपको दिखा रहे हैं हम, कितना अच्छा लग रहा है। अगला है ये देखें कैसे इसमें सिस्टम होता है, और अंदर देखें सिस्टम कैसे होता है चलाने का, तो आप खुद देख सकते हैं। ये पुराने हैं, ये रिटायर हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये सबसे बड़ा देखें, सबसे बड़ा, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और कबूतर ने इन पर कब्जा जमा लिया है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना बड़ा है। और इसके टायर देखें, हिस्ट्री ये है, पोलियो वाले हेलीकॉप्टर। और इस हेलीकॉप्टर की खासियत मैं बताता हूँ आपको, इधर चलें जरा आगे 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 आगे। और क्या मतलब गोलियों वाला, वो बम वाला था और ये गोलियों वाला है। और वो देखें कैसे आप, अच्छा जहाज चला रहे हैं, अच्छा अच्छा ये नकली रखे हुए हैं, और डक कैसे रहे हैं असली असली, क्या अभी अभी उड़ेंगे, उड़ने के लिए तैयार है, नहीं नहीं अभी ये ऐसी नकली हैं। और कूलियों वाले कितने बड़े हैं, और बैठे हुए हैं नहीं नकली। तो ये कुछ ये है वाला देखें, इतना बड़े बड़े जहाज हैं जो हम आज अपनी आंखों के सामने और इतना करीब देख रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, हमें मुंह ऊपर करके देखना पड़ रहा है। और यहाँ से वो आग निकलती है जब जहाज चलता है, तो इसमें भी बिठाए हुए बंदूक, क्या लग रहा है, इसकी हिस्ट्री कुछ ये है। मजा आ रहा है ना ये जहाज देख के, इतने बड़े बड़े, मैंने तो ये पहली बार देखे। आप कमेंट करें क्या आपने पहली बार देखा है। ये देखें, ये यहाँ पे बंदा बैठता है, अच्छा ये बताता हूँ ये है क्या, यहाँ पे एक बंदा बैठता है ठीक है, कुछ यहाँ पे सेटिंग वेटिंग करके
यहाँ पे गोलियां डालते हैं अंदर, और जब वो करता है ना कुछ ऐसे करके मशीन ऑन करता है, तो ये गोलियां यहाँ से निकलती रहती हैं। कुछ सोचिए आप, यहाँ से गोलियां निकलती हैं। ये कुछ सेटिंग देखें आप, ये ऐसे सेटिंग होती है और यहाँ से गोलियां निकलती हैं, देख सकते हैं आप अंदर तक देखें। ये कभी आपने देखा है? देख सकते हैं आप, लाइक कर दें चैनल को, सब्सक्राइब कर दें। ये क्या हो सकता है? ये आपको बताऊं ये क्या है, ये इतना बड़ा है, आपको मैं पीछे से दिखाता हूँ। इतना बड़ा है, इतना, और इसमें बम ब्लास्ट होता है, यहाँ बम डालते हैं और वो ब्लास्ट होता है। वाह यार, इतना बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा है ये तो। ये गोलियों वाला है और ये बम वाला। लेकिन यहाँ पे देखें, देखा आपने कैसे जहाज आया? ये असल जहाज है, नकल नहीं है, ये PIA का जहाज जा रहा था। देखा आपने, जहाज भी जा रहे हैं और हम आपको जहाज भी दिखा रहे हैं, यही तो मजा है। तो सब्सक्राइब तो करें चैनल को। तो ये है बड़ा वाला टेंट और ये लाइन से लगे हुए हैं, कैसे लग रहे हैं। अब आपको इस पूरे पार्क का हम व्यू कराते हैं। देखें कितना बड़ा पार्क है, इसमें जहाज रखे हुए हैं। फ्लैग भी है, तो ये शायद इंडियन का जहाज है। मैं इस पे ये आपकी दिखाता हूँ, ये देखें भारतीय टी। ये जो 1, 2 और 3 ये हैं भारती। इसका है हिस्ट्री, और ये जो है इसके भी हिस्ट्री है आगे, ये देखें। तो ये तीनों हैं ये भारतीय हैं। तो ये देखें, ये भी होता है कि इसमें बम डालते हैं और ये जाता है बम। इसकी भी हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। तो हम अंदर पहुँच चुके थे, मगर अंदर वीडियो अलाउ नहीं थी, इसलिए पिक हमने खींची, और पिक अब हम आपको दिखाएंगे अंदर क्या था, वो आपको अभी हम दिखाते हैं। तो चलें, और ये देखें, ये उस ज़माने की यहाँ इनके तस्वीर के ऊपर 1970 भी लिखा हुआ है। तो ये सब उस ज़माने में ये फौजी होते थे, और ये आर्मी स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि पहले के ज़माने में ऐसे लड़ाई होती थी, तो आप देख सकते हैं कैसे लड़ाई होती थी। और ये देखें कैसे घोड़े पे सवार होके और जंजीरें मारते थे और चाकू मारते थे। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये देखें मुझ पर कैसे गन ताक की हुई है, ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये भी कैसे बनाया, पूरा असली लग रहा है। ये है कैप्टन कर्नल शहीर खान शहीद, और ये तो ऐसे लग रहा है असली है, और ये बर्फ लग रही है, और आप टीवी में तस्वीर देख रहे हैं कुछ इस तरह का इनने बनाया है ये, और हवा भी आ रही थी। और ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल करने वाले हथियार हैं, और आप ये देख सकते हैं इनके हाथ में जो गन है ये असली गन है, और ये भी बनाया हुआ है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब असली है। तो ये आप देख सकते हैं ये बरसों साल पहले इस्तेमाल की गई हुई गन है, जो यहाँ म्यूज़ियम में रखी गई हैं, और ये बहुत तादाद में हैं। और ये आप मिसाइल देखें, इतने बड़े बड़े मिसाइल। और ये देखें, ये पुराने ज़माने की घड़ी होती थी, और ये पुराने ज़माने में जो फौजी के आर्मी के कपड़े होते थे ये वो हैं। और ये देखिए घोड़े पे ऐसे लड़ते थे। तो हमने आपको पूरा म्यूज़ियम दिखा दिया, और हाँ एक चीज़ आपको दिखाते हैं, चलें। ये देखें, ये आपको क्या लग रहा है, ट्रेन और उस पर लोग, ये भी बनाया हुआ है भाई,
क्या लग रहा है, पूरा असली लग रहा है। ये पुराने जमाने के रेडियो होते थे और ये पुराने जमाने के कॉल्स मतलब टेलीफोन होते थे। तो आप ये दोनों टेलीफोन देख सकते हैं। तो आपको हमने आज म्यूजियम पूरा दिखा दिया। तो आपको ये म्यूजियम अंदर से कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम ये खाते हैं और साथ में पानी है, तो ये खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। क्या क्या है अंदर, ऐसा लग रहा है भैया असल में आ गए हम। अब हम यहाँ से एंटर बाहर आए हैं, यहाँ पे भी टेंट आए, इतने मतलब बड़े बड़े टेंट हैं इनकी। बताए भी हैं कि क्या इस टेंट के बारे में बातें हैं। और ये देख सकते हैं आप, इसके टायर बस देखें तो फिर आगे सिस्टम देखें आप। और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये क्रेन मिलिट्री है, देख सकते हैं आप। और ये भी देखें, मतलब आज का जो व्लॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो व्लॉग इसी वजह से, इसी बात पे व्लॉग को लाइक कर दें। पूरा दिखा दिया, देखें ये बड़े बड़े ट्रक, ट्रक नहीं, ये देखें बड़े बड़े टेंट, वो देखें बड़े बड़े टेंट, वो लाइन से जा रहे हैं। तो वो देख लिया आपने, वो देखें भाई एक और बार हमें जहाज मिल गया, और वो भी ऑरेंज कलर का। और इसकी आवाज इतनी तेज आई थी अभी, बहुत तेज आवाज आई थी अभी आते हुए। और फिर हमने कैमरे में कैप्चर कर लिया जहाज। तो अभी हम चलते हैं म्यूजियम का, हमने पूरा विजिट करवा लिया। अगर आपको ये म्यूजियम अच्छा लगा है तो लाइक कर दे चैनल, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर। तो अभी हम जा रहे हैं वापसी, क्योंकि हमने आपको पूरा आर्मी म्यूजियम लाहौर का विजिट करवा दिया। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अभी हम चलते हैं घर और अपने कजनों से मिलते हैं। तो हम म्यूजियम से आ चुके थे और अभी सनसेट हो रहा है, देखें वाह क्या नजारा है, बादल और सनसेट। इस वीडियो में मैंने आपको सनसेट भी दिखा दिया, कितना प्यारा लग रहा है, बादल भी सामने है सूरज के। और हमने आज आपको विजिट करवाया आर्मी के, आर्मी का म्यूजियम है लाहौर के, आर्मी का म्यूजियम। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, हमारा गोल है कि हम रमज़ानों के शुरू शुरू तक 1000 सब्सक्राइबर कर दें। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ट्रिप के डेली व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। इस सनसेट के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।